सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमोबुद्धाय। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में, असमानता और समानता के बारे में, इनमें क्या विभिन्नता है, जैन धर्म बौद्ध धर्म से किस प्रकार अलग है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या चीज़ समान है। तो समानता के तत्व, दोनों ही धर्मों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का विरोध किया है। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ही धर्मों ने बल दिया है। कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष दोनों ही धर्मों में शामिल थे। दोनों धर्मों में प्रचार प्रसार के लिए भिक्षु संघों की स्थापना पर बल दिया गया था। उपरोक्त समानता के बावजूद भारत में जैन धर्म का उतना व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाया जितना बौद्ध धर्म का हुआ, तथा जैन धर्म कुछ ही भागों में सीमित होकर रह गया। इसके पीछे कुछ कारण थे। बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग पर जो बल दिया था, इसके तहत मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं किया जाता था, परंतु जैन धर्म में मोक्ष के लिए घोर तपस्या और शरीर त्याग को आवश्यक माना गया। बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता था, जबकि जैन धर्म में इसकी प्रधानता विद्यमान थी। बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म में अहिंसा एवं अपरिग्रह पर अधिक बल दिया गया है। इस संदर्भ में उनके विचार अतिवादी थे। जैन धर्म में नग्नता को अनिवार्य माना गया था, जो बौद्ध धर्म में अनुपस्थित था। गौतम बुद्ध द्वारा तत्कालीन समाज में विद्यमान कुरीतियों पर जिस प्रकार से कुठाराघात किया गया था, उस प्रकार से महावीर द्वारा नहीं किया गया था। तो आज हमने समझा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के इनमें विभिन्नता के बारे में, इनमें क्या अंतर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।